सबसे पहले बात करें मखसूस नशितों पर मजीद ख्वातीन और अकलियती अरकान ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हलफ लेने पर एतराज। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशितों पर हलफ लेना तोहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर बोले, पिशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशितों पर हमें स्टे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमें पिशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मिला। अटर्नी जनरल इस मौके पर बोले कि आज जिन अरकान ने हलफ लिया उनमें केपी का कोई रुकन शामिल नहीं। पिशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा तक है। इतलाक विफाक और दीगर सूबों पर नहीं होता। लाहौर हाईकोर्ट ने हलफ न लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पिशावर हाईकोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान पर नहीं होता। मखसूस नशस्तों पर मजीद खवातीन और अकलियती अरकान ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हल्फ लेने पर एतराज। उमर अयूब ने कहा, मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर बोले, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर हमें स्टे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमें पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई हुक्म नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल इस मौके पर बोले कि आज जिन अरकान ने हल्फ लिया उनमें केपी का कोई रुकन शामिल नहीं। पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा तक है। इतलाक विफाक और दीगर सूबों पर नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ न लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान पर नहीं होता।